दफा का जिक्र है। एक जंगल में कालू और उसका बेटा जुगनू और चिड़िया रानो चिड़िया और उसकी बेटी चीना रहती थी। वो दोनों इकट्ठे रहते थे एक ही जंगल में। दो दरख्तों पर उनका घोंसला था। कालू भैया, आपका बच्चा उठ गया क्या? कालू भैया, आज मुझे कुछ जरूरी काम था आपसे, क्या मैं आ जाऊँ आपके पास? हाँ चिड़िया बहन, मैं ही आ जाता हूँ, आप क्यों आई? हाँ बताएं क्या काम है? कालू भैया, आपको तो पता है कि हमारे घोंसले पास पास हैं और हमारे बच्चे हैं। भोजन लेने जाती हूँ तो मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आता है, तो हम ऐसा क्यों ना करें, एक दिन मैं भोजन ले आऊँगी, एक दिन आप ले आना। आज मैं ले आती हूँ, कल फिर आप जाना। ठीक है चिड़िया, आज तुम ले आओ, कल मैं जाऊँगा। भोजन लेने के लिए जंगल में चली जाती है। उसे भोजन में एक एप्पल मिलता है। एप्पल तो मिल गया है मुझे, अब मैं इसे घर ले जाती हूँ, मेरी बेटी भी तो भूखी होगी। कालू भैया भी मेरी वजह से घर पे ही बैठे हैं बच्चों के साथ। चलो मैं जल्दी से ले जाती हूँ। बच्चों बच्चों देखो, बाहर इधर उधर नहीं जाना और अच्छे से खेलो बेटा, लड़ना नहीं आपस में। नहीं अंकल, कालू अंकल, मैं नहीं लड़ रहा, जग्गू मुझसे लड़ता है। नहीं पापा नहीं, ये तो झूठ बोलती है। मैं तो इससे कह रहा था कि आज लड्डू लड्डू वाली खेलें, फिर ये मेरी बात ही नहीं सुनती। फिर मैंने कहा ट्री के पीछे छुपने छुपने वाली खेलें। मामा आ गई। कालू भैया आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। आप जाकर अब अपने बच्चे के पास बैठ जाएं, मैं आ गई हूँ। कालू भैया आपका शुक्रिया। गोरी बहन, मेरे मामू की डेथ हो गई है, मैं आज वहाँ पर जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ? क्या तुम मेरे बच्चे की भी हिफाजत करोगी? इस तरह दिन गुजरते गए, वो एक दूसरे की मदद करते। एक दफा कालू बहुत ही ज्यादा उदास था। कालू भैया क्या हुआ, क्यों आप ऐसे उदास बैठे हैं? बहन चिड़िया बहन, मेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है, कल से वो बहुत बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, आप हिफाजत कर लेना मेरे बच्चे की। कालू ये जल्दी जल्दी कहते हुए वहाँ से चला जाता है। चिड़िया सारा दिन अपने दोनों बच्चों की हिफाजत करती है। अरे जग्गू, क्यों इतनी लुटंकियां करते हो, क्यों शैतानी करते हो, कब से मुझे तंग कर रहे हो जग्गू, अब तो ना तंग करो, क्यों जंपे लगा रहे हो जग्गू, गिर गए ना? क्या चिड़िया, क्या हुआ मेरे जग्गू को? ये तो सांस बंद हो रही है मेरे जग्गू की, क्या किया तुमने मेरे बेटे का? कालू भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही गिर गया है, मैं इसे बहुत रोक रही थी लेकिन ये जंपे लगा रहा था, मैंने तो इसे बहुत रोकने की कोशिश की। चिड़िया ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा जग्गू मर गया, मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम याद रख। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इस तरह चिड़िया बार बार माफी मांगती है कालू से, लेकिन कालू तो चिड़िया की बात सुनने के लिए तैयार ही ना था, बल्कि चिड़िया को ही अपना दुश्मन मान कर बैठा था। चिड़िया तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हें सत्यानाश हो। मामा ये कालू अंकल क्यों हमें ऐसे डांट रहे हैं, आपकी गलती थोड़ी ना थी, जग्गू खुद ही जंपे लगा रहे था, आपने तो उसे बहुत रोका, लेकिन क्यों कालू अंकल आपको ही डांटे जा रहे हैं? मम्मा आप क्यों परेशान हैं, कुछ तो बोले मम्मा। इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझती क्या है खुद को, आज तो चिड़िया जाए कहीं पर, मैं इसके बदले अपना बेटे का बदला तो जरूर लूंगा। ये अपने आप को क्या समझती है, मेरे बेटे को जग्गू को मार देगी और मैं चुपचाप ही ऐसे ही तमाशा देखता रहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे तो चिड़िया से बदला लेना ही पड़ेगा, मैं चिड़िया के बेटे को कहीं और जाकर चील को दे आता हूँ, फिर इसको लगेगा चिड़िया को पता। जग्गू बेटा, बेटा चीनी, सॉरी मैंने जग्गू बुला दिया, बेटा मेरा आपकी मम्मा आपको नदी के पास बुला रही है। कालू अंकल, लेकिन मेरी मम्मा ने तो मुझे कहा था कि आप घोंसले से नीचे ना उतरना, नहीं बुला रही होगी मेरी मम्मा अंकल।
नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी अम्मी नदी पर तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, उसने मुझे अभी कहा। ए कालू, इतने दिनों के बाद तुम मेरे इलाके में कैसा आना हुआ तुम्हारा? चील भाई, आपके लिए शिकार लेकर आया हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला शिकार ये बच्चा तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इंजॉय करो, खाओ इसको, चिड़िया का ही बच्चा है। ए कालू, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया इस बच्चे को खाकर, अब तो मैं मजे। कालू भैया, कहाँ है मेरी चुनचुनी, कहाँ है, बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी, कुछ तो बोलो कालू भैया, कुछ तो बोलो। कितनी दफा कहा मेरी गलती नहीं थी, लेकिन आप समझते नहीं है क्या कसूर था मेरा, मैंने तो हिफाजत की। तुम्हारे जग्गू को चील खा गए हैं, जाकर वहाँ पर रोना धोना करो, मेरे सामने रोने धोने की जरूरत। चिड़िया वहाँ से उदास होकर, वहाँ से जंगल से छोड़कर जंगल को आ जाती है, दूसरे जंगल, वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद चिड़िया के यहाँ बहुत दिन वो सबर से काम लेती है, दुखी तो बहुत थी लेकिन वो क्या करती। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद चिड़िया के यहाँ अंडा आता है, चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने अंडे को देखकर, वो तो इतनी खुश थी। शुक्र है अल्लाह ने मुझे एक और अंडा दिया और उस कालू शैतान से मेरा पीछा छूट गया। हाँ, अब तो बच्चा निकलने वाला है, हाय अल्लाह का शुक्र है, दो बच्चे। हम आ गए। फिर चिड़िया अल्लाह का शुक्र अदा करती है और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी कहानी को देखना।